वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। आज की हमारी किताब है टिड्डा मियां की पिटाई। टिड्डे मियां की पिटाई। टिड्डे मियां कौन है? द ग्रासहॉपर गेट्स इनटू द ग्रासहॉपर लर्न्स अ लेसन। द ग्रासहॉपर लर्न्स अ लेसन। सर्दियां करीब थी। Winter was coming. चूंटियां दौड़ दौड़ के अनाज जमा कर रही थी, रोटी के टुकड़े और खाने की कई चीजें जमा करके अपने घर में बचा के रख रही थी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? Other side, the bees were collecting lots and lots of honey. बीज हनी कहाँ से कलेक्ट करती हैं? Flowers. फूलों से। दूसरी तरफ शहद की मक्खियां भी सुबह से शाम तक फूलों से रस इकट्ठा करती नजर आ रही थी। तमाम कीड़े सर्दी से बचने का बंदोबस्त कर रहे थे। ऐसा क्यों करते हैं? Because they needed food for the winter. क्योंकि सर्दी में बहुत सर्दी होती है ना, फिर बाहर निकला नहीं जाता। बस एक टिड्डा मियां थे जो अपने वक्त यूं ही गवा रहे थे। He was so lazy, everybody will tell him, don't waste your time. That's right. Then winter will come soon. That's right. तमाम कीड़े उनसे कहते कि यूं वक्त जाया मत करो, मगर वो किसी की बात ही ना सुनता। उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। अपना सारा दिन गप्पे लगाने में मसरूफ गुजार देते थे। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, वक्त गुजरता रहा। वक्त मतलब the time kept passing, और मौसम भी वक्त के साथ साथ बदलता रहा। And the weather was even more changing, and the sun was going away. Aista aista barf padne lagi. All the tree leaves went off. Dekhte hi dekhte har taraf safed aur narm aur mulayam barf hi barf nazar aane lagi. Tamam keede sakht sardi ki wajah se apne apne gharon mein aaram se baith gaye. सब आराम से बैठ गए, लेकिन कौन बाहर ठिठर्रा फिर रहा था? टिड्डे मियां। The grasshopper. टिड्डे मियां को रह रह कर अफसोस हो रहा था। काश वो भी पहले ही दरख्तों और पत्तों की तरह झड़ने से पहले अपना खाना तलाश कर लेते। अब तो सारे दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके हैं। वो सोचता ही रह गया। It was so cold in the winter and all the houses were closed and locked. That's true. फिर टिड्डे मियां को एक ख्याल आया। एक प्रिंग, ये क्या होता है? He had an idea. आइडिया आया। प्रिंग। वो उठे और अपने बोरे में एक स्प्रे ढूंढ के डाला। कैसा स्प्रे? Found a spray that makes people to sleep. बेहोश करने वाला स्प्रे। थोड़ी देर में उन्होंने जल्दी से अपने मैला कुचैला कंबल ओढ़ा और उसमें स्प्रे छुपाकर वो बाहर निकल दिए। बाहर सख्त सर्दी थी। उन्होंने अपने मुंह पे चादर लपेटी। What did he do? उन्होंने अपने मुंह पर चादर लपेटी, अपनी शक्ल पे चादर लपेटी। मींस ही पुट अ डर्टी ब्लैंकेट ऑन हिज फेस। फेस को उर्दू में क्या कहते हैं? मुंह और शक्ल। शक्ल, मुंह और शक्ल। फिर वो छत्ते के करीब पहुंचे। छत्ता क्या होता है? ही वेंट टू द बीहाइव। छत्ता कहते हैं बीहाइव को। छत्ते के करीब पहुंचकर उन्होंने जोर से छत्ते का दरवाजा खटखटाया। खट 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 खट। कई बार दस्तक देने के बाद ऑन द लाउड डोर। एग्जैक्टली
Exactly. एक मक्खी टोपी और गरम कोट पहने दरवाजे पर आई. कौन है? इतनी सर्दी में यहाँ क्यों आए हो? टिड्डे मासूम आवाज बनाकर बोला, मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया. मेहरबानी करो मुझे अंदर आने दो, वरना मैं सर्दी में मेरा हाल खराब हो जाएगा. He was not telling the truth. टिड्डे मियाँ सच नहीं बोल रहे थे, है ना? उनके जहन में कुछ और था. मक्खी को रहम आ गया, उसने टिड्डे को अंदर बुला लिया. बड़ी मक्खी ने टिड्डे को गरम बिस्तर पर बिठाया. दूसरी मक्खी ने टिड्डे मियाँ को शहद दिया. टिड्डे मियाँ ने कुट 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 सारा शहद मक्खियों का खा लिया, लेकिन फिर कहा, जी शुक्रिया शुक्रिया. Thank you. मक्खियों ने क्या कहा? Show us your face. मक्खी ने कहा, जी आपने अपनी शक्ल क्यों छुपाई हुई है? जरा अपना चेहरा तो दिखाएं. फिर टिड्डे मियाँ ने क्या किया? He brought out the spray and sprayed them, and they went to sleep like that. Yeah. टिड्डे मियाँ ने शक्ल दिखाने के बजाय अपना हाथ अपने कंबल के अंदर डाला और वो स्प्रे निकाल के सब मक्खियों को स्प्रे कर दिया और मक्खियाँ सो गई. और जब मक्खियाँ सो गई तो टिड्डे मियाँ ने पता क्या किया? He took all the honey from the beehive. That is not nice. Can you believe that? उसने सारा शहद थैलियों में जमा करके अपने ब्लैंकेट में रख के फरार हो गया. अब जो मक्खियों को होश आया और जब उन्होंने देखा कि उनका सारा शहद खत्म हो गया है, तो फिर क्या हुआ? उनको बहुत गुस्सा आया. All the bees were angry. They got so angry. And the baby ones laughed at him. उन्होंने अपनी साथी मक्खियों की फौज की सफ़े तैयार की और टिड्डे मियाँ के घर पर हमला किया. उसकी खूब पिटाई की, अपना सारा शहद समेटा और कैदी बनाकर टिड्डे मियाँ को अपने छत्ते में ले आए. अब रानी मक्खी ने ऐलान किया. Who's रानी मक्खी? The Queen Bee. इनका जुर्म तो बहुत बड़ा है, मगर ये हमारे मोहल्ले में नए नए आए हैं, इसलिए इनके साथ नरमी बरती होगी. Because the grasshopper is new in this neighborhood, we will not be angry to him. We will be nice. We will not be angry with him. We will not be giving any punishment. इनके साथ नरमी बरती जाएगी. But you know what she did? What? सर्दियां खत्म होने के बाद जब मक्खियां शहद जमा करेंगी, तो टिड्डे मियाँ रस की सारी बाल्टियां छत्ते तक पहुंचाएंगी. The Rani Makhi ordered that in the next season, when all the flies are going to collect the honey, what is Tidde Mia going to do? He's gonna help by bringing the buckets back to the hive. Tidde Mia ko sari baltiyan uthani padengi. And if he doesn't do that, then the bees will tickle him and bite him. Exactly. तो रानी मक्खी ने कहा कि आपको सारी बाल्टियां उठा के बीहाइव पर लानी होंगी और सफाई करनी होगी, सारा काम करना होगा. और अगर टिड्डे मियाँ ने ये सब काम नहीं किया, तो मक्खियों को इजाजत है कि वो टिड्डे मियाँ को जुप 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 अटैक करें और टिकल करें, है ना? तमाम मक्खियों ने रानी मक्खी जिंदाबाद का नारा लगाया.
रानी मक्खी जिंदाबाद, रानी मक्खी जिंदाबाद, रानी मक्खी जिंदाबाद, रानी मक्खी जिंदाबाद, रानी मक्खी जिंदाबाद। टिड्डा मियां, टिड्डे मियां शर्मिंदा खड़े सोचते रहे और शर्मिंदगी से उनका सर नीचे। He was in shame. कभी कभी नहीं बल्कि हर दफा बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। टिड्डे मियां की पिटाई।